हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं सूजी की बर्फ़ी। तो सूजी की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरी सूजी लिया है। एक मैंने पहले से लिया हुआ है और मैं 1 कटोरी और मिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरी सूजी ले ली है, आप देख सकते हैं गाइस। सूजी लेने के बाद हमें 1 कटोरी यहाँ पर लेनी है चीनी। तो अभी हमें क्या करना है, हमें जिस प्लेट में हमें पूरी की पूरी अपनी बर्फ़ी निकालनी है, हम उसको पहले से ही देसी घी लगा कर रख लेंगे, ताकि जब हम उसका पेस्ट बनाएं तो हम इसमें अच्छे से उसको पलट के एकदम फैला दें, क्योंकि वो एकदम से जम जाता है। तो इसको आप पहले करके रख लेना है, ऐसे घी लगा कर प्लेट में, जिस प्लेट में भी आपको निकालना है। तो मुझे इसमें निकालना है, तो मैंने इसके चारों ओर पूरी थाली पर मैंने यहाँ पर घी लगा लिया है। तो घी लग चुका है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई में ली है सूजी। यहाँ पर जो गैस की फ्लेम है आपको लो ही रखनी है, और लो फ्लेम पर इसको लगातार चलाते रहना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। पहले मैं यहाँ पर 1/2 कटोरी घी डालूंगी, बाकी घी मैं बाद में डालूंगी। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। मैंने जो गैस की फ्लेम है थोड़ी मीडियम की है अभी, तो मैं इसको मीडियम फ्लेम पर चला लेती हूँ ऐसे। तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है गाइस। तो इसको लगातार चलाते रहिए, आपको इसको लगातार चलाते रहना है, वरना इसमें गांठें बन जाएंगी। और जब ये ऐसे हल्का सा भुन जाए तो आप इसको थोड़ा लो कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलाते चलाते जो सूजी का कलर है थोड़ा ब्राउन हो चुका है। तो जो बाकी का बचा हुआ घी था मैं वो भी ऐड कर देती हूँ उसमें। तो यस, घी डालने के बाद हम इसको ऐसे ही लगातार चलाते रहेंगे। तो ऐसे ही लगातार चलाते चलाते हमारी पूरी सूजी भुन जाएगी। तो यस, आप देख सकते हैं। और हाँ गाइस, आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जो सूजी है वो कढ़ाई में लगनी नहीं चाहिए। सूजी हमारी भुन चुकी है, तो चलिए हम इस कढ़ाई में से सूजी को निकाल लेते हैं। अब हम इसमें बनाएंगे चीनी का पानी। चीनी का पानी बनाने के लिए मैंने जो 1 कटोरी चीनी ली थी वो उसमें डाल दी है। अब मैं इसमें 1 कटोरी डालूँगी पानी। तो चलिए मैं इसमें 1 कटोरी पानी डाल देती हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कटोरी में पानी। तो यस, पानी मैंने इसमें डाल दिया है। तो चीनी में पानी डालने के बाद आपको इसको लगातार चलाते रहना है, तो ताकि जो हमारा चीनी का पानी है अच्छे से उबल जाए। तो आप देख सकते हैं मैं इसको धीरे धीरे चला रही हूँ, और इसमें ऐसे धीरे धीरे चलाते चलाते ही उबाल आ जाएगा। और आपको इसको तब तक पकाना है जब तक इसमें एक ऐसे वो ना बन जाए तार। तो यस, पानी एकदम उबलना शुरू हो चुका है धीरे धीरे, आप देख सकते हैं इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। तो यस, यहाँ पर पानी है जो कुछ कुछ उबलने लगा है। हमको इसको तब तक ही उबालते रहना है जब तक इसमें तार ना बन जाए। जब हमारी, आप इसको ऐसे उंगली से चेक भी कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी पहचान होती है चाशनी बनाने की। तो यस, हमारा जो चाशनी का पानी है एकदम उबल चुका है। अभी हम इसका वेट करते हैं। तो आपको इसको ऐसे ही 5 मिनट के लिए छोड़ देना है गाइस। 5 मिनट के बाद ये बहुत ही अच्छे से पक जाएगी, और जो इसमें तार है वो भी बन जाएगा। तो यस, मैं इसको एक बार और चला देती हूँ ताकि नीचे लगे ना। तो यहाँ पर जो मैंने गैस की फ्लेम है अभी थोड़ी मीडियम की हुई है। तो यस, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ गाइस कि इसमें तार बना है नहीं बना है। तो आपको ऐसे थोड़ा सा इसमें से उठाना है चाशनी का पानी, और ऐसे दोनों फिंगर से ऐसे इसको प्रेस करके देखना है। अगर ये आपस में उंगलियां चिपक जाती हैं तो इसका मतलब है कि आपकी चाशनी बन चुकी है। अगर नहीं चिपकती है तो हम इसको थोड़ा और पकाएंगे। तो हमारी चाशनी एकदम बन चुकी है, तो मैं इसको थोड़ा सा चलाने के बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ गाइस कि इसकी चाशनी कैसे बनती है तार। तो यस, आप देख सकते हैं हमारी जो फिंगर है एकदम चिपक रही है, तो चाशनी बन चुकी है। तो चाशनी बनने के बाद जो हमने इसमें सूजी भूनी थी वो हम इसमें डाल देंगे। तो चलिए हम सारी सूजी को इसमें ऐड कर देते हैं। और अब यहाँ पे जो गैस की फ्लेम है आपको लो ही रखनी है, ताकि जल ना जाए। तो यस, इसका कुछ पेस्ट ऐसा बन जाएगा, और आपको इसको बिल्कुल थिक कर लेना है, क्योंकि जितना थिक होगा उतनी अच्छे से आपकी बर्फ़ी जमेगी। तो यस, यहाँ पर मैंने सारा मिक्स कर लिया है। अब जो हमने प्लेट में पहले से घी लगा कर रखा था वो हम इसमें निकाल देंगे।
तो ये सारा जो हमने सूजी का वो ये है पत, वो हमने सरस में निकाल दिया है। मैंने इसको सारी प्लेट में ऐसे फैला लिया है गाइस। अब मैंने इसमें ऊपर से ऐड किया है गोले का बारूदा, ये ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है, तो आप इसको रख सकते हैं अदरवाइज नहीं। तो मैंने यहाँ पर गोले का बारूदा ऐड किया है, तो मैं इसको ऐसे दबा देती हूँ ताकि हमारी बर्फ़ी पर जो गोले का बारूदा है बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। गोले का बारूदा डालने के बाद मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, जिसमें मैंने लिया है बादाम। बादाम मैंने पहले ही काट के रख लिए थे, तो मैं इसको भी अच्छे से दबा देती हूँ ताकि जो हमारे बादाम और गोले का बारूदा है बर्फ़ी में अच्छे से लग जाए। तो यस, अब हम इसको ऐसे ही गाइस कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए हम ऐसे छोड़ देंगे, और इसको आप फैन के नीचे भी रख सकते हैं ताकि और अच्छे से जम जाए। तो चलिए हम अब मिलेंगे आपसे 15 से 20 मिनट बाद। तो 15-20 मिनट हो चुके गाइस, अब हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो यस, आप देख सकते हैं जो हमारी सूजी की बर्फ़ी है एकदम जम चुकी है। मैं इसको ऐसे नाइफ से काट देती हूँ बर्फ़ी की शेप में। तो सारी बर्फियों को आपको ऐसे ही कट करना है। मैं सारी बर्फियों को काट देती हूँ ऐसे। तो यस, ये एकदम मैंने बर्फ़ी के आकार में काटी है। आप देख सकते हैं कितने ही आराम से सॉफ्ट तरीके से हमारी बर्फ़ी कट रही है। लेकिन अगर गाइस यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जब आप इसको चेक करेंगे 15-20 मिनट बाद, अगर ये ऐसे चाकू में चिपक रहा है तो आप इसको फिर छोड़ दीजिए 10-15 मिनट के लिए, ताकि ये और अच्छे से एकदम जम जाए। अगर ये गीली है तो आप इसको बिल्कुल भी ना काटें, वरना आपकी बर्फ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं जमेगी। तो यहाँ पर देखो कितने ही हल्के हाथों से मैं इसको कट कर रही हूँ, और ये एकदम सॉफ्ट तरीके से कट हो भी रहा है और नाइफ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो यस, मैं आपको एक बर्फ़ी उठाकर दिखा देती हूँ। तो यस, आप देख सकते हैं जो हमारी सूजी की बर्फ़ी है कितनी ही स्वीट और सॉफ्ट लग रही है देखने में। तो होप गाइस आपको रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें गाइस।